इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 71 में मौजूद हैं और हम इस वक्त नोएडा के सब बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हैं, कैलाश हॉस्पिटल में। जी हाँ, यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति यहाँ तक पहुँचता है तो किस तरीके की सुविधा है, और जिस चीज़ के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है पूरा देश इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है। डॉक्टर्स अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर लोगों के साथ उनको सेवाएँ दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सेवाएँ दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि किस तरीके से कि यहाँ पर अब तक कितने लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर क्या सुविधा है और किस तरीके से लोगों को आगे ट्रीट किया जा रहा है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने यहाँ मेडिकल कैंप लगा रखा है लोगों की सुविधा के लिए। जी सर। कोई अब तक यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति पहुँचा है जो संक्रमित आपको लगा? संक्रमित जो अभी लगा नहीं है, ऐसे अगर हमें लगता है कि ऐसा संक्रमित जो पेशेंट हैं, हम उनका पहले हिस्ट्री लेते हैं कि 15 दिन में मतलब आउट कंट्री विदेश से आने जाना तो नहीं हुआ, या विदेश से आने वालों से आप कॉन्टेक्ट में नहीं आए हैं। उनसे हम चार चीज़ पूछते हैं कि आपको फीवर तो नहीं है, खांसी जुकाम तो नहीं है, या आपको डिफिकल्ट ब्रीथिंग तो नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ हमें लगता है तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, हमें 2-4 हॉस्पिटलों का एड्रेस लिखा रखा है, वहाँ पे हम भेज देते हैं उनको। क्या अब तक जो आपने लोगों की यहाँ पे जांच करी, कोई ऐसा पाया गया कि आपने आगे उसको रेफ़र किया हो? नहीं, हमारे अभी हम जितने पेशेंट हमारे पास आए हैं, हम 2-3 दिन से जो सेवा दे रहे हैं उनमें हमें ऐसा कुछ पेशेंट आया नहीं है हमारे पास। कोई पेशेंट नहीं आया, तो काफ़ी अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। जो लोगों को पैनिक लग रहा है कि अब देख सकते हैं इतना बड़ा अस्पताल है और घनी आबादी में लोग यहाँ पर रहते हैं, तमाम कॉरपोरेट्स ऑफिस हैं यहाँ पर, और अब तक जिनकी जांच हुई है सबकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव, और कोई ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं ना कहीं संक्रमित हो इस कोरोना वायरस से। आगे के कोरोना वायरस अपडेट के लिए आप देखते रहिए BHBC न्यूज़। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।